आइए सुनते हैं अनुसिंह चौधरी जी की कहानी सहयात्री। मुझे वर्नेरा स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ना था अहमदाबाद जाने के लिए यही ट्रेन ठीक थी पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस सुबह सात बजे तक पहुंच ही जाऊंगा दिन भर काम करके शाम की राजधानी लेकर दिल्ली पहुंच जाना मुमकिन हो सकेगा मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग के लिए अमरावती आया था साथ में था कैमरा डी सी हम जैसे कैमरामैनों के लिए वरदान ज्यादा भारी भी नहीं और शूट क्वालिटी डी जी बीटा जैसी मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था विजय वर्नेरा स्टेशन पर ट्रेन दो ही मिनट रुकती है इसलिए विजय को मॉनिटर और ट्राई की जिम्मेदारी सौंप मैं दस मिनट पहले ही बोगी के इंतज़ार में खड़ा हो गया विजय बैठना चाहता था लेकिन यहाँ कैमरा मैन यानी बॉस मैं था पीठ पर बैक पैक कंधे पर लटकता कैमरा दोनों हाथों में पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेट बगल में एक अखबार भी दबा लिया था मैंने यानी हाथ भी खाली नहीं दिमाग पर तो खैर बोझ लिए चलते रहना एक पुरानी आदत है मेरी लेकिन विजय पूरी तरह सफ़र का आनंद उठाने के मूड में था ट्रेन आने में अभी देर है सर चाय पिए क्या बिना मेरे जवाब का इंतज़ार किए वो सामान मेरे बगल में रख चाय के स्टॉल के पास चला गया जाने क्यों मेरा मन कहीं बैठने को नहीं कर रहा था एक तो लोहे की कुर्सियाँ दूर थीं और ये जगह बिल्कुल सही थी मेरे लिए बोगी यहीं आनी थी और फिर यहाँ से प्लेटफॉर्म पर लगा टी स्क्रीन नजर आ रहा था जिसमें चित्रहार टाइप के गाने आ रहे थे पहले संजीव कुमार शबाना आज़मी का एक गाना और अब मोनिटर पर जीना तमान और अमिताभ बच्चन लिपटे खड़े थे गाने के बोल मुझे यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहे थे लेकिन स्क्रीन पर चलते गानों को देखकर आदतन दिमाग में भी एक के बाद एक गाने गूंज रहे थे यहाँ से हिलने का मतलब था सामान को फिर से रखने और उठाने की मशक्क़त और टी वी पर चल रहे थोड़े से मनोरंजन से हाथ धोना विजय चाय ले आया था और चाय के साथ कुछ प्याज के पकौड़े भी अगर प्लेटफॉर्म की ओर जाते हुए मैंने स्टॉल पर सजे पकौड़ों पर मक्खियाँ भिनभिनाते नहीं देखी होती तो शायद पकौड़ों से भरा धोना विजय के हाथ से ले लिया होता लेकिन फ़िलहाल मैंने अपने हाथ के बिस्किट और पानी की बोतल बैग में घुसा कर सिर्फ चाय उसके हाथ से ली ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट हो चुका था ए सी टू के डिब्बे में यहाँ से चढ़ने वाले हम दो ही यात्री थे वैसे भी इस भीषण गर्मी में भला कौन सफ़र करता है ट्रेन आई ए सी टू के पहले कंपार्टमेंट में पहली सीट नंबर एक विजय को अड़तीस नंबर सीट अलॉट हुई थी लंबी दूरी की ट्रेनों पर किसी छोटे से स्टेशन पर चढ़ने के कई नुकसान हैं पहला आपको सीट मनपसंद मिल ही नहीं सकती दूसरा अपनी अपनी सीटों पर पसरे दूर से आ रहे सहयात्रियों और उनके भारी भरकम बक्सों के बीच अपना सामान घुसाना नामुमकिन और तीसरा गंदे टॉयलेट तीसरे नुकसान का ख्याल आते ही दिमाग भन बनाया यहाँ तो नीचे की दोनों सीटों पर लोग यूं भी पहले से कब्जा जमाए थे ट्रेन में चढ़ते-न चढ़ते छोटे स्टेशन पर चढ़ने के तीनों नुकसानों से सामना हो गया था सफेद चादर के पीछे से एक उम्रदराज़ चेहरा निकला ऐसा कि जैसे 75 के बाद के शरीर और दिमाग दोनों ने उम्र की रस्सी पर साल की ग्रहें लगाना बंद कर दिया हो झुर्रियों के बीच से बिना दांतों के अंकल मुस्कुराए ऊपर तो नहीं जा सकूंगा आप सीट बदल लेंगे क्या दांत न होने की वजह से उनकी बात उनके बोलने से कम उनके हाथ के इशारों से ज़्यादा समझ आई दूसरी तरफ नीचे वाली सीट पर लेटी महिला ने न किताब से सर उठाना ज़रूरी समझा न सीट के नीचे बिखरी अपनी चप्पलों झोलों न्यूज़पेपर के टुकड़ों और खाने के प्लेट के बीच मेरे लिए जगह बनाने की जहमत उठाना ही अभी तक मैं कैमरे को कंधे पर लिए लिए ही खड़ा था बिल्कुल उसी मुद्रा में जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रेन पर सवार हुआ था पीठ पर बस्ता कंधे पर लटकता कैमरा दोनों हाथों में पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेट सीट तो मैं बदल लूंगा लेकिन आप इन मोहतरमा को मेरे लिए जगह बनाने को क्यों नहीं कहते मैंने झल्लाते हुए कहा हम साथ नहीं हैं किताब के पीछे से ठंडी सी आवाज़ सुनाई दी लेकिन अभी भी उन्होंने उठकर सामान समेटने की कोई कोशिश नहीं की अब मेरे तेवर में पूरी गर्मी आ चुकी थी मैंने अपने पैरों से ही उनकी चप्पलें और जूठी प्लेट को जोर से मारकर डब्बे के गलियारे में कर दिया मैडम का पढ़ना अब भी बंद ना हुआ ना ही मेरी ठोकर की उन्होंने कोई परवाह की कंबल के नीचे से पैरों में एक हल्की सी हरकत हुई बस लेकिन आंखें किताब पर ही थीं मैं भी किताब का नाम देख चुका था प्रेम आश्रम अब मैंने चिड़कर सीट के नीचे से सामान खींचना शुरू किया लेकिन खींचता भी कैसे सामान लोहे की कड़ियों से बंधे थे आप अपना सामान समेटेंगी या मैं ट्रेन से बाहर कर दूँ इनको इतने ख़राब लहजे में बात करने के बावजूद वो महिला अपनी जगह से नहीं उठी उल्टा घूमकर जवाब दे दिया ऐसे कैसे बाहर कर देंगे आप दूसरी सीट के नीचे इतनी जगह पड़ी है वो नहीं दिखती नहीं दिखती सिर्फ बदतमीजी दिखती है शाम के साढ़े पाँच बज रहे हैं ये कोई वक्त है लेटे रहने का आपसे इतना भी ना हुआ कि पैर समेट कर साथ वाले मुसाफिर के लिए जगह बना दें और अंकल आप हाँ हेलो अंकल मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ बेशक नीचे वाली सीट ले लीजिए लेकिन अगले तीन घंटे के लिए मुझे बैठने की जगह तो दीजिए बुज़ुर्ग सज्जन हड़बड़ा उठ गए मैंने पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेट सीट पर इतनी ज़ोर से फेंके कि पैकेट के भीतर से ही कुछ बिस्किट के टूटने की आवाज़ें सुनाई दी करीब करीब इसी गुस्से से मैं सीट पर पसरी महिला को डिब्बे से बाहर फेंक देना चाहता था लेकिन मेरी छल्लाहट का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो वैसे ही लेटे लेटे किताब पढ़ती रहीं मैंने भी अपना चेहरा अखबार के पीछे छुपा लिया लेकिन मेरे दिमाग की बड़बड़ाहट कम नहीं हुई न जाने क्या समझते हैं ऐसे लोग अपने आप को एक सीट रिजर्व करते हैं और पूरी ट्रेन को अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं सिविक सेंस तो है ही नहीं जहाँ खाया वहीं फेंक दिया यहाँ भी इनके लिए नौकर आए चप्पले और सामान समेटने पढ़ेंगे प्रेमाश्रम और समझेंगे खुद को भारी इंटेलेक्चुअल प्रेमचंद को ही पढ़ना है तो गोदान पढ़ो गबन पढ़ो रंगभूमि और कर्मभूमि पढ़ो उनकी कहानियाँ पढ़ो लेकिन पढ़ने चले हैं प्रेम आश्रम कुछ और मिला ही ना होगा स्टेशन के बुक स्टॉल पर मिला होगा लेकिन समझ में ना आया होगा प्रेमचंद का नाम देखकर महारानी जी ने किताब उठा ली होगी बस और क्या मन ही मन मेरा बुनभुनाना जारी रहा थेपला खाओगे बिना दांतों वाले अंकल ने अचानक पूछा और मैंने हड़बड़ाते हुए ना चाहते हुए भी उनके खाने के डिब्बे से एक टुकड़ा निकाल लिया मेरा थेपला उठाना ही मेरे लिए भारी पड़ गया अंकल तो जैसे मौके की ताक में बैठे थे छूटते ही उन्होंने बातों का पिटारा खोल दिया मेरा नाम जेपी पी है जयप्रकाश घोघारी यवतमाल का हूँ और अहमदाबाद जा रहा हूँ बेटे और बहू के पास मैं गुजराती हूँ लेकिन हम लोग तकरीबन सौ सालों से यवतमाल में ही रह रहे हैं आप कहाँ के हो बेटा मैं उड़ीसा का हूँ मेरा जवाब संक्षिप्त था ज़्यादा बोलने का मतलब था उनसे बातचीत को बढ़ावा देना जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था उड़ीसा के कहीं आप दूसरी ओर की ट्रेन में तो नहीं बैठ गए ये ट्रेन पूरी से अहमदाबाद जा रही है अहमदाबाद से पूरी नहीं जानता हूँ मैंने खींचते हुए कहा मैं अहमदाबाद ही जा रहा हूँ अच्छा अच्छा यही तो खासियत है हमारे देश की हम वाशिंदे कहीं के होते हैं बसते कहीं और जाके हैं अमरीकियों की तरह नहीं होते जहाँ ईस्ट कोस्ट के लोगों ने वेस्ट कोस्ट को कभी देखा ही नहीं अब मुझे ही देख लीजिए मैं गुजरात का पढ़ा लिखा महाराष्ट्र में पूरी ज़िंदगी नौकरी की दिल्ली में और अब रिटायरमेंट के बाद नागपुर में रह रहा हूँ अपने बड़े बेटे के पास अभी छोटे बेटे के पास जा रहा हूँ अहमदाबाद मैंने क़रीब करीब टालने वाले लहजे में सर हिलाकर कहा अच्छा लेकिन घोगारी साहब का घोंगो करते हुए बोलना कम नहीं हुआ मैं स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के परिवार से हूँ हमारे जैसा गुजराती परिवार नहीं देखा होगा आपने महाराष्ट्र में रहकर हमने मराठी संस्कृति को अपनाने में कोई कोताही नहीं बरती आप गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं जी जानता हूँ इतिहास में पढ़ा है उनके बारे में मैं अब तक नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्यों उनकी बकबक न सिर्फ सुन रहा था बल्कि उन्हें बोलने के मौके भी दे रहा था मुझे अपने बैगों में रखी किताबें याद आ रही थीं कितना कुछ था पढ़ने के लिए विलियम डेल रिम्पल मार्केस और एक नाइजीरियन लेखिका जिसका नाम याद नहीं आ रहा था अभी पढ़ा होगा ज़रूर पढ़ा होगा महान हस्ती थे गोखले मेरे दादाजी के बहुत करीबी दोस्त जानते हो मेरे दादाजी यफ्तमाल मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल थे जब सब उन में गोखले मरे तो उन्होंने अपने स्कूल में एक शोक सभा आयोजित की फिर क्या था अंग्रेज़ों ने उन्हें नौकरी से निकाल कर जेल में डाल दिया हूँ अचानक मुझे उस नाइजीरियन लेखिका का नाम याद आ गया अदीची चिद्दामंदंदा जाने नाम भी सही समझा था मैंने या गलत लेकिन इस लेखिका की फेमिनिस्ट राइटिंग मेरे जैसे अक्खड़ आदमी के मन में हलचल पैदा करती थी किताब निकालने के लिए मैंने अपने बैग की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गोगारी अंकल ने मुझे बीच में रोक दिया अरे बैठो ना बेटा जानते हो कहते हैं गोखले जी स्ट्रेस से मरे थे तनाव से बड़ी कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी उनचास साल भी कोई उम्र होती है मरने की उस जमाने में आज से सौ साल पहले भी लोग स्ट्रेस से मरते थे नहीं मेरी आवाज़ में व्यंग्य था स्ट्रेस कैसे ना होता देश गुलाम था अपने आसपास परिवार समाज देश पर आप आखिर कितना अत्याचार देख सकते हैं आप ज़रा भी संवेदनशील होंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी ही तनाव तो होगा ही सामने लेटी हुई महिला एक सांस में ही बोल गई इस अप्रत्याशित जवाब का कोई जवाब मैं नहीं दे पाया घोघारी अंकल ने बतचीत का सिलसिला जारी रखा कैसे उनके पिता स्कूल के दिनों में ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे कैसे दादाजी के घर के कुर्की की अफवाज़ सुनते ही दादी ने आठ बच्चों के पूरे परिवार को अपने पड़ोसी के तबेले में छुपा दिया था कैसे उनका बचपन आज़ादी की कविताएं लिखते सुनते बीता और कैसे एक आज़ाद भारत के साठ सालों को देखने का सुख उन्हें भाव भावहबोर कर देता है मैं अब भी निश्चय श्रोता ही बना रहा बीच बीच में हूँ हूँ से ज़्यादा भी मेरी भागीदारी नहीं थी लेकिन वो महिला बहुत देर तक लेटे लेटे ही गुघारी जी से घुल मिलकर बातें करती रही जैसे मुद्दतों की दोस्ती थी उनकी ट्रेन दस बजे के आसपास मुसावल पहुंची मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं था इसलिए कुछ खाने के इरादे से उतरने लगा कि मुझे विजय की याद आई इस गहन बातचीत को सुनते रहने के क्रम में मैं उसे तो भूल ही गया था मैं उठने लगा तो उस महिला ने मुझसे उड़िया में कहा ट्रेन रो ओलहेबे की मोह पाए पाने बोटल आने बेकी मतलब नीचे उतरेंगे क्या मेरे लिए पानी की एक बोतल ले आएंगे आपको कैसे मालूम चला कि मैं उड़िया बोलता हूँ मैंने हैरान होकर पूछा आप ही ने तो सामने वाले अंकल को बताया कि आप उड़ीसा से हैं ओहो तो आप किताब पढ़ने का स्वांग रच रही थी आपका ध्यान हमारे असल दरअसल हमारी बातों पर था मैं फिर अपने व्यंग पर उतर आया था महिला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया घूम लेट भर गई मुझे अपने ऊपर बड़ी कोफ्त हुई ये कम्बक जुबान अपने नियंत्रण में कभी क्यों नहीं रहती फिसलने और जहर उगलने की बुरी आदत है इसको लेकिन माफ़ी मांगने की हिम्मत भी ना हुई मैंने अंकल की ओर घूम पूछा आपको कुछ चाहिए क्या अंकल ने हाथ के इशारे से मना किया कहा कुछ नहीं मैं भारी मन से प्लेटफार्म पर उतर गया कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई विजय के लिए खाना पैक कराकर मैं दूसरे दरवाजे से डिब्बे में चढ़ा और उसे खाने का पैकेट पकड़ाकर फिर प्लेटफॉर्म पर उतरकर टहलने लगा एक बार जी में आया जाकर माफ़ी मांग लूँ लेकिन अहन ने डिब्बे के दरवाजे पर एक बाँस का मोटा पल्ला डाल दिया था उछल कर लांगना भी मुश्किल झुकना तो खैर नामुमकिन मैं अपनी ओहापोह से जी चुराने के लिए सिगरेट के गहरे कश लेता रहा ट्रेन के एक रात के सफर में लोग जन जन्मांतर का रिश्ता बनाने की कोशिश क्यों करते हैं मतलब ठीक है किस्मत कही है कि हम एक साथ एक बोगी में अगल बगल की सल, सीटों पर डाल दिए गए लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गले ही पड़ जाया जाए जब अपने सहयात्री के गले पड़ना अपेक्षित नहीं होता तो फिर भी अपने सहयात्री के बर्ताव के या उसके साथ किए गए बर्ताव पर इतना दिमाग क्यों खराब कर रहा हूँ मैं ये घोघारी अंकल जो भी हैं और ये उड़िया में रिश्ता निकालने वाली महिला जो भी हैं इन दोनों से मेरा नाता बस आज भर का है बस इस सफ़र भर का यह सोचकर मैंने एक और सिगरेट जला ली लगा कि जैसे कोई बोझ उतर गया ट्रेन खुलने के सिग्नल के बाद जब पानी की बोतल लिए डिब्बे में वापस पहुंचा, तो कंपार्टमेंट की बत्तियां बुझाकर मेरे दोनों सह यात्री सो चुके थे मैं भी ऊपर वाली सीट पर लेटे लेटे रीडिंग लाइट जलाकर कुछ पढ़ने की कोशिश करता रहा फिर सो गया कंपार्टमेंट का सन्नाटा पटरियों पर दौड़ती ट्रेन का शोर और घुघारी अंकल के खर्राटे के घर घर ने फिर दिमाग को लुका छुपी के किसी खेल की ओर धकेल दिया इसी ट्रेन में तो मिली थी शालनी एक सफ़र बस एक सफ़र में रिश्ते नहीं बनते ट्रेन में मिलने वाले लोग दोबारा नहीं मिला करते सफ़र पूरे होने के साथ दोस्तियाँ भी खत्म हो जाती हैं और बाद बेबाद हुई चर्चाएं भी लेकिन मेरी और शालिनी की दोस्ती इसी ट्रेन में शुरू हो गई थी फिर ज़िंदगी के लंबे सफ़र में वो रिश्ता टूट भी गया था ट्रेन के सह की नियति यही होती है शायद उसके बाद मैंने ट्रेन में बहुत सफ़र किया लेकिन दोस्ती कभी नहीं की दोस्ती तो क्या बात तक नहीं की मेरे व्यक्तित्व का ये रूखापन ट्रेन में चढ़ते ही अपनी चरम सीमा तक चढ़ते हुए असंवेदनशीलता की हद तक पहुंच जाता था सुबह नींद खुली तो ट्रेन अहमदाबाद पहुंचने वाली थी सभी यात्री अपने अपने सामान समेटने लगे थे गोगारी अंकल भी अपनी चप्पलें समेट कर बैग में रखने लगे थे मैं भी नीचे उतर कर जूते पहनने लगा किसी से बात करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई सामने वाली सीट पर लेटी महिला वैसे ही दूसरी ओर घूमकर सोती रही दो अच्छे सहयात्रियों की तरह हम एक दूसरे से किया बर्ताव भूल चुके थे ट्रेन के अहमदाबाद पहुंचते ही कुलियों के साथ साथ एक 24-25 साल का शख्स डिब्बे में घुसाया और हमारे सामने लेटी महिला के पास आकर खड़ा हुआ दीदी दीदी तमो फ़ोन बंद काहे की ओछी मु बहुत समोए और चेष्टा कर उछी कितनी चिंता हो रही थी मुझे फ़ोन तो ऑन रखती नहीं रे फोन डिस्चार्ज हो गया था इसलिए बंद हो गया अब मैं चार्ज करने के लिए पावर पॉइंट तक पहुँचूँ तब ना पिछले चौदह घंटों में पहली बार महिला के चेहरे पर हंसी की एक लकीर नज़र आई थी किसी की मदद ले लेती अपने सयात्रियों से कह देती भाई की आवाज़ में अब भी परेशानी घुली थी सयात्रियों से मदद मांगने का ना हक रहा ना चलन इस बार व्यंग्य महिला की आवाज में था इसी बातचीत के बीच भाई नीचे से सामान खींच खींच कर सीट पर रखता गया सामान के साथ एक व्हीलचेयर और एक जोड़ी बैसाखियां भी थीं सामान निकालने के बाद उसने अपनी बहन को पकड़कर बिठाया और तब मुझे एहसास हुआ कि महिला की दाहिनी टांग की जगह एक कृत्रिम टांग लगी थी मुझे जाने ऐसा क्यों लगा कि मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया हो मैं अपना उस महिला से आँख मिला पा रहा था न अंकल से जाते जाते उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो भी मेरा ध्यान व्हील चेयर पर ही था भाई ने कुली की मदद से एक एक करके सामान उतारा और अपनी बहन को भी डिब्बे से उतार कर व्हील चेयर पर बैठाया मैं भारी मन से सीट पर ही बैठा रहा विजय के आने तक डेढ़ महीने पहले लंदन की मेट्रो पर लगे पोस्टर पर, पर पड़ी हुई दो लाइनें अपने मन में जाने कितनी बार दोहराई थी मैंने उस दिन इवन इफ यू आर ट्राइंग टू बी पोलाइट ट्राई नॉट टू मेक स्पेस टू टाइट सच ही कहा है किसी ने किसी का सब्र और स्वभाव दोनों की पहचान करनी हो तो उसके साथ ट्रेन में सफ़र करिए उस दिन पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस के उस सफ़र के बाद मैं अचानक समझ गया था कि शालिनी ने मुझे क्यों छोड़ा होगा तो ये थी अनु सिंह चौधरी जी की कहानी सहयात्री सुनने के लिए धन्यवाद